हेलो दोस्तों, तो आज हमारे दिलीप जी बना रहे हैं गुलाब जामुन। ये बन ये रहा है। गिट्स के गुलाब जामुन पाउडर है। और ये क्या बना रहे हैं? ये बन रहा है चाशनी, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको शुगर सिरप। और इसका क्या रेसिपी है चाशनी बनाने का? रेसिपी कितना सीक्रेट है। तो आप कितना चीनी लिए हैं और कितना पानी उसमें डाले हैं? अगर मान लिया जाए इसमें किसी चीज़ से हम नाप के डालें तो आप बताइए एक मोटा लगभग मोटे। इसमें लिए हैं 750 ग्राम चीनी हाँ और लगभग 1 लीटर से थोड़ा सा कम पानी लिए, अच्छा, थोड़ा सा कम। तो इसको मतलब कब तक उबालना है, कितना देर तक? इसको तब तक उबालना है जब तक थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ये चिकनापन इसमें आ जाएगा। तो बहुत पतला है ये, इसमें हल्का हल्का थोड़ा चिकनापन आ जाएगा। उसके बाद उसे गर्म करना या बंद कर देना? बंद करना है, उसके बाद तब तक इसका इसको गूंथ कर गोली बाउल बना बनाइएगा। लेना है। तब तक अच्छा इसका गोली बनाते हैं, ठीक है, चलिए। इसको काट लेना है इस पाउडर को। इससे लगभग 40-50 पीस, 40 पीस के आसपास बनेगा मीडियम साइज का। इसको फिर आटा गूंथ के तुरंत बॉल बनाते होंगे। हाँ, आटा गूंथ के तुरंत बॉल बनाना है। अगर देरी कीजिएगा तो ये थोड़ा सा खराब हो जाएगा, चिकनापन नहीं आ पाएगा फिर उसमें। फिर जब उसको छानिएगा, जो भी फ्राई कीजिएगा, तो थोड़ा सा उसमें फट जाएगा। हल्का हल्का पानी लेके इसको बॉईल करना है। पानी या इसको सुनते कहीं कहीं दूध भी ले सकते हाँ, हैं। दूध भी ले सकते हैं आप। अगर आपको थोड़ा सा क्रीमी फील देना है तो उसमें दूध दे सकते हैं आप। अच्छा, हम लोग को पानी वाला ही अच्छा लगता है। ये देखिए सना गया, ये हो गया। अब इसको गोली बना लेना, बॉल बना लेना है। जो साइज का आपको चाहिए उस तो साइज का बनाना है। चाशनी भी देखिए लगभग मेरा रेडी होने वाला है। चाशनी में अगर आपको थोड़ा इलायची का फ्लेवर चाहिए तो आप इलायची भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 2 इलायची भी डाल देता हूँ। इलायची खड़ा डालना कूट के? अच्छा, कूट के भी डाल सकते हैं, ज़्यादा स्वाद चाहिए तो इसको फाड़ के डाल सकते हैं। ठीक है, तब तक इधर गोली बना लेते हैं। तब तक इसको कढ़ाई को चालू कर देते हैं। इसमें रिफाइंड डाल देना है, जो भी बॉल बनाइएगा बॉल चिकना होना चाहिए। अगर चिकना नहीं होगा तो फट जाएगा बॉल। किस प्रकार का चिकना मतलब? चिकनाहट पूरा एकदम करना है। जैसे देखिए ये मेरा बना हुआ बॉल है, पूरा चिकनाहट है इसमें। तो एक बार बॉल पूरा बना लेना है या फिर? नहीं, बॉल एक बार पूरा बना लीजिएगा, उसके बाद छानिएगा। अच्छा, ज़्यादा ये हो क्वांटिटी रहा में है तो है। आप छान भी सकते हैं। कड़ाही गरम, इसमें रिफाइंड डालेंगे आप? हाँ, रिफाइंड डालेंगे। आपका घी का स्वाद आपको चाहिए तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं उसको। अच्छा, ये देखिए मेरे फ्रेंड राहुल राज जी जल्दी जल्दी गोला कर रहे हैं, नहीं तो जल्दी जल्दी नहीं होगा तो गोला हो जाएगा कड़ा आटा, उसके बाद गोला चिकना चिकना नहीं बनेगा। तब तक इधर चाशनी को एक बार फिर से देख लेते हैं, अभी नहीं हुआ है, थोड़ा और लगेगा टाइम। तब तक रिफाइंड गरम कर रहे तब हैं। तक रिफाइंड डालते हैं। अब रिफाइंड डला चुका है, तब तक रिफाइंड गर्म होता है, तब तक हम लोग रसगुल्ला बना लेते हैं। देखिए चाशनी लगभग रेडी हो गया है। देखिए चाशनी कितना रखना है, ज़्यादा गाढ़ा चाशनी भी इसमें नहीं चलता, हल्का हल्का चिकनापन आ गया इसमें, हो गया। तब तक ये तेज फ्लेम पर है, अब इसको थोड़ा मीडियम करेंगे। इसमें बॉल धीरे धीरे सारा डालेंगे। एक बार में पूरा बॉल डालिएगा? हाँ, एक बार में हो जाएगा। जितना तेल आपके पास रिफाइंड का है, कढ़ाई जितना बड़ा है उतना डाल सकते हैं आप। पूरा लाल करना है या फिर मतलब नहीं, अभी कलर? तो स्टार्टिंग में तेज आंच में रहेगा, फिर उसके बाद थोड़ा कम कर देना है। उसके बाद जब थोड़ा सा हो जाएगा उसके बाद मीडियम फ्लेम कर देना है। अच्छा, ये
मीडियम फ्लेम पे करना है। मीडियम फ्लेम करना है। हो गया सारा, एक बार में हो गया मेरा। ये हल्का हल्का आंच पे पक रहा है, थोड़ा थोड़ा इसको लाल होने तक पकने दें। हाँ देखिए हो रहा है, जिस कलर का आपको रखना है उसका प्लेट में आपको निकाल लेना है। अभी तो अगर चाशनी है रेडी। वाह बड़ा मस्त दिख रहा है। ऑलमोस्ट रेडी बट फाइनल प्रोसेसिंग स्टिल इन प्रोग्रेस। प्लेट में इसलिए निकाले हैं कि थोड़ा सा तेल है जो सोख लेना चाहिए। चाशनी इधर मेरा है रेडी। एक एक करके गुलाब जामुन डाल रहे हैं चाशनी में। कितना देर इसको डुबा कर रखना? इसको रखिए, इसमें जितना देर रखना इसी से खाइए पीजिए आप। करीब 10 मिनट में ये। हाँ 10 मिनट में रेडी, रेडी टू ईट। कैसा लग रहा है देखने में दोस्तों? ये देखिए चाशनी में तर रहा है मेरा गुलाब जामुन, बड़ा सुंदर ही लग रहा है। अब खाने का मन कर रहा है थोड़ा बस जल्दी। 5 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद प्लेट लाइए, सर्व कीजिए, हम लोग को खाते हैं। देखिए गुलाब जामुन दम चिकना चिकना बना है, देखिए। अरे वाह वाह, अभी खा ले गरम, थोड़ा ठंडा हम खाएंगे। तो अभी हम लोग अब इसका ठंडा होने का थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं। अगर ऐसे थोड़ा गुलाब जामुन के बारे में और भी कुछ जानकारी लेना है तो आप हमारे दिलीप जी से संपर्क कर सकते हैं। बाकी चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में आपके। अभी पूरा मेरा गुलाब जामुन चाशनी में रस पूरा पेस्ट चुका है। अब इसको ये गुलाब जामुन चलेगा 2 दिन, इसके लिए इसको मैं रख रहा हूँ अपने। इसको पैक करके रखिएगा? पैक करके रखेंगे, नहीं तो आप दबा दीजिएगा ज़्यादा। ये आपका गुलाब जामुन कुछ ज़्यादा रस पी लिया। यही रस पीने में ही तो गुलाब जामुन का टेस्ट बढ़ता है भाई साहब। ओ भाई मेरे को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, थोड़ा अब खाने को दीजिए। एक पीस 25 रुपये का मिलता है यहाँ मुंबई में, यही पीस रहेगा। सेम पीस 25 रुपीज़। अगर आपसे मिलना है तो कहाँ आ सकते हैं लोग? एड्रेस नहीं देंगे गाइस ना तो लोग आ जाएंगे, तो थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परेशानी नहीं, फिर से बनाना पड़ेगा। एक एक पीस करके निकालना, धक्का मुक्की नहीं करना है, मतलब धक्का मुक्की में हो जाएगा चूर। निकाल रहे हैं लेकिन जीभ लपक रहा है, लग रहा है एक पीस खा लें। ये देखिए लीजिए, आप भी खाइए। ये देखिए तैयार सामान, तैयार खाइए। दिलीप जी का ये गुलाब जामुन ना दम लिमिटेड में है, एडिशन ऐसा शायद ही हम देखे हैं अभी। और ये क्या हुआ? गिर गया एक पीस, लेकिन अब क्या करें, इसको भी कोई खाएगा, जीव जंतु अच्छा। खाएगा, इसके लिए मैं इसको रख देता हूँ इधर। जीव जंतु नहीं, हम खाएंगे उसको। ये देखिए बड़ा ही परफेक्ट लुक, कलर भी गाइस बड़ा मस्त। अब इसको ढक्कन नहीं लगेगा लगता है, तो इसके लिए ढक्कन जितना लगे उतना तक खाली करना पड़ेगा अभी कभी। तो अभी खा के चलिए इसको खा के बताते हैं कैसा लगता है। के लिए अब कटलरी सेट में लगा रहे हैं इसको। हाँ कटलरी सेट में खाएंगे इसको। निकालिए, अरे वाह, गिनती से पीस निकालना चाहिए। ये देखिए नेचुरल कलर गाइस, थोड़ा सा रस ले लेते हैं। खा के बताइए कैसा है। एक पीस और ले लेते हैं क्योंकि
जगह नहीं है, इसमें खुला हुआ पीस लेते हैं अंदर से। देखिए एकदम रसदार पीस। इसको ख़त्म करने में कितना समय लगेगा आपको? ज़्यादा से ज़्यादा जितना पीस है उतना उतना, मतलब उसका आधा मिनट, उससे आधा मिनट, यानी फीलिंग लेके आप खा रहे हैं। बिल्कुल, खा के बताइए कैसा है। देखिए ये हो गया, लीजिए खाइए, आप भी खाइए। खाने से पहले बस थोड़ा सा देना है, दिल दुखाएगा। चलिए खाइए जी। हाँ, एक पेस्ट आप टेस्ट कीजिए, उठाइए खाइए। अच्छा गाइस, अब हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब थोड़ा हम भी इसको टेस्ट करते हैं। ये देखिए राहुल जी, मुस्कुराइए और खाइए गरम गरम रसगुल्ला, कैसा लग रहा? लाजवाब, बहुत सुंदर। चलिए अब वीडियो बंद करते हैं और रसगुल्ला का, गुलाब जामुन का आनंद लेते हैं।